A very warm good morning to all of my dear students. How are you? Hope you all are fine and following your online classes regularly. Okay, so today I am here to teach you a new lesson in your English literature. Section B, Ode to My Fountain Pen in Memoriam, written by Anne Frank. ये दिस इज आर डायरी एंट्री. ये एनी फ्रैंक की डायरी एंट्री है. किसकी मेमोरी में एनी फ्रैंक ने लिखा है? अपने एक फाउंटेन पेन, जो उसके पास एक इंक पेन था, उसकी मेमोरी में उसको याद करते हुए उसने ये डायरी एंट्री लिखी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 17. एनी फ्रैंक वॉज अ यंग ज्यूइश गर्ल हु वॉज फोर्स्ड टू रिमेन इन हाइडिंग विथ हर फैमिली due to the persecution of Jews by Hitler's army during the Second World War. ये किस टाइम की बात है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है. उस टाइम पे हिटलर की आर्मी का राज था, और जो हिटलर की आर्मी थी वो ज्यूइश लोगों को, ये काइंड ऑफ कल्चर, यहूदी जिसको कहते हैं, ये इन कल्चर के लोगों को एनिमल्स की तरह ट्रीट करता था. वो इनको ह्यूमंस की कैटेगरी में नहीं लेता था. ओके, सो वो जहाँ भी उनको देखता था मार डालता था. तो एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली हिटलर की आर्मी से बचने के लिए एक जगह पे छुप के रह रहे थे, ठीक है, ताकि हिटलर की आर्मी उनको मार ना दे. ओके, शी रिसीव्ड अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे. एनी फ्रैंक जो है वो अपने 13th बर्थडे पे एक डायरी रिसीव करती है. इट मीन्स उसको कोई डायरी एक गिफ्ट करता है इन जून 1942. ये 1942 की बात है, जून में. शी कॉल्ड हर डायरी किटी. उसने अपने डायरी को क्या नाम दिया है? किटी नाम दिया है. एंड बिगिन राइटिंग इन इट. और वो अपने 13th बर्थडे पे जो डायरी रिसीव करती है, उस टाइम से वो उसमें किटी में लिखना स्टार्ट करती है डायरी में. She recorded her thoughts, feelings and emotions in her diary until she was 15. वो अपने डायरी में 13 की एज से लेकर 15 की एज तक अपने सारे इमोशंस, फीलिंग्स, सारे इंसिडेंट्स जो उसके साथ साथ हुए, उसके लाइक्स, डिसलाइक, मतलब एवरीथिंग शी रिकॉर्डेड इन हर डायरी. रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनीज डायरी. एक्सट्रैक्ट मीन्स अ काइंड ऑफ समरी, मीन्स उसकी पूरी डायरी एंट्री में से एक छोटा सा, यू कैन से सार, एक छोटी सी समरी आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. थर्सडे नवंबर 11, 1943. दिस इज अ डेट. ओके, डियरेस्ट किटी. किटी उसने अपनी डायरी को नाम दिया है किटी, तो वो अपनी डायरी को किटी कहती है. डियरेस्ट किटी, आई हैव अ गुड टाइटल फॉर दिस चैप्टर. एनी फ्रैंक कहती है कि मेरे पास इस चैप्टर के लिए, इट मीन्स जो मैं लिख रही हूँ उसके लिए, बहुत ही अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा टाइटल है. ओड टू माय फाउंटेन पेन इन मेमोरियम, मीन्स मैं ये जो टाइटल है वो अपने फाउंटेन पेन पे लिख रही हूँ. मेरे पास जो इंक पेन था उसकी याद में लिख रही हूँ. ओके, माय फाउंटेन पेन वॉज ऑलवेज वन ऑफ माय मोस्ट प्राइज्ड पोसेशन. एनी फ्रैंक लिखती है कि मेरा जो फाउंटेन पेन था, जो मेरे पास पेन था, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती था. मोस्ट प्राइज्ड पोसेशंस, मतलब मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल था. आई वैल्यूड इट हाईली. मैं उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देती थी, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा मानती थी. स्पेशली बिकॉज इट हैड अ थिक नेप एंड आई कैन ओनली राइट नीटली विथ थिक नेप्स. और वो कहती है क्योंकि उसका जो पेन का जो निप था वो बहुत ही थिक था, मोटा था, और उससे मेरी हैंड राइटिंग जो थी वो बहुत ही नीट आती थी, बहुत ही क्लियर आती थी. इसलिए भी एक रीज़न था कि मुझे ये पेन बहुत पसंद था और उसी से मैं लिखना प्रिफर करती थी. इट हैज़ लेड अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग फाउंटेन पेन लाइफ विच आई विल समराइज बिलो. ये बताती है कि ये पेन जो है उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ जी है मेरे साथ, जिसको मैंने समराइज किया है, बताया है आपको नीचे. ओके, व्हेन आई वाज 9 माय फाउंटेन पेन पैक्ड इन कॉटन अराइव्स एज अ सैंपल ऑफ नो कमर्शियल वैल्यूज. वो कहती है कि जब मैं 9 इयर्स की थी तो मेरा जो फाउंटेन पेन था वो कॉटन में पैक होके आता है एक सैंपल की तरह, सैंपल ऑफ नो कमर्शियल वैल्यूज All the way from Aachen. Aachen एक सिटी है Germany में. ओके, वेयर माई ग्रैंड मदर द काइंडली डोनर यूज टू लिव. द काइंडली डोनर मीन्स ये जो फाउंटेन पेन था एनी फ्रैंक को उसकी ग्रैंड मदर ने गिफ्ट किया था. सो वो बताती है कि
उनकी जो ग्रैंड मदर जो काइंडली डोनेट मीन्स कि उन्होंने उसको वो पेन फाउंटेन पेन गिफ्ट किया था. आई ले इन बेड विद द फ्लू वाइल द फेब्रुअरी विंड्स हॉलोड अराउंड द अपार्टमेंट हाउस. वो उस समय की बात बता रही है जब उसका फाउंटेन पेन अराइव हुआ था, उसके पास आया था. उस समय वो बेड पे थी, मींस वो उसको फ्लू था, उसको फीवर था और वो फेब्रुअरी का मंथ था और उसके अपार्टमेंट में बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी. दिस स्प्लेंडेड फाउंटेन पेन, स्प्लेंडेड मींस शानदार. वो उसको पेन के बारे में बताती कि वो जो शानदार पेन है केम इन अ रेड लेदर केस. वो किस चीज़ में आया था? रेड कलर के लेदर के केस में आया था. एंड आई शोड इट टू माई गर्ल फ्रेंड्स द फर्स्ट चांस आई गॉट. वो कहती है कि फिर मुझे जब पहली बार चांस मिला तो मैंने अपने फीमेल फ्रेंड्स को भी उस फाउंटेन पेन को दिखाया. मी एनी फ्रैंक द प्राउड ओनर ऑफ अ फाउंटेन पेन. वो कहती है कि मैं एनी फ्रैंक एक प्राउड ओनर है उस फाउंटेन पेन की. मतलब वो बताती है कि जो वो फाउंटेन पेन है उसकी ओनर, उसका मालिक, उसके मालिक मैं हूँ. एनी फ्रैंक प्राउड ओनर है. उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फाउंटेन पेन होना बहुत बड़ी बात थी. ओके, व्हेन आई वाज 10, आई मीन्स एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक बताती है कि जब वो 10 ईयर्स की थी, आई वॉज अलाउड टू टेक द पेन टू स्कूल. वो बताती है कि जब वो 10 ईयर्स की हुई तो उसको ये अलाउ किया गया पेन स्कूल में ले जाने के लिए. ओके, एंड टू माई सरप्राइज द टीचर्स इवन लेट मी राइड विथ इट. वो कहती है कि और मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइज की बात है कि मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे अलाउ किया स्कूल में लाने के लिए. व्हेन आई वाज 11, हाउ एवर माई ट्रेजर हैड टू बी टक्ड अवे अगेन. वो कहती है कि जब मैं 11 ईयर्स की हुई, जब मैं 11 साल की हुई, बिकॉज माई 6th ग्रेड टीचर अलाउड टू अस टू यूज ओनली स्कूल पेन्स एंड इंक पॉट्स. वो बताती कि जब मैं 11 ईयर्स की हुई तो मेरा जो ट्रेजर था वो कैप्ट अवे सेफली और मुझे स्कूल के टीचर्स ने भी अलाउ किया, क्योंकि स्कूल में अलाउ था पेन से लिखने के लिए, इंक पॉट से लिखने के लिए, बट मेरे टीचर्स ने मुझे वहाँ भी अलाउ किया पेन से लिखने के लिए बिकॉज उसकी उस पेन से हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी आती थी और टीचर्स ने भी उसको अलाउ कर दिया लिखने के लिए. ओके, व्हेन आई वाज 12, आई मीन्स एनी फ्रैंक, जब वो 12 ईयर्स की हुई, आई स्टार्टेड एट द ज्यूस लैकम एंड माई फाउंटेन पेन वॉज गिवन अ न्यू केस इन ऑनर ऑफ द ओकेजन. Not only did it have room for a pencil, it also had a zipper, which was much more impressive. अब वो बताती है 12 years की हुई तो वो स्कूल जाने लगी, उस स्कूल में जहाँ पे जो इसके चिल्ड्रन, इस कल्चर के स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे, तो वो वहाँ पे भी उस पेन को ले जाने लगी और यूज़ करने लगी. अब उसको वो बताती है पेन को कि वो बहुत ही इम्प्रेसिव पेन था क्योंकि उसके साथ एक जिपर भी था. मींस जैसे आपके पेंसिल स्टेशनरी रखने के लिए एक जिपर पाउच होता है, उस पेन के साथ एक पेंसिल भी आई थी और एक जिपर भी आया था जो उस पेन को और इम्प्रेसिव बनाता है, जो और अच्छा दिखाता है. व्हेन आई वाज 13, द फाउंटेन पेन वेंट विद मी टू द एनेक्स एंड टुगेदर वी हैड रीच्ड थ्रू काउंटलेस डायरीज एंड कंपोजिशंस. वो कहती है कि जब मैं 13 ईयर्स की हुई तो मेरे साथ मेरा जो फाउंटेन पेन है वो एनेक्स आया और हम, मैंने और मेरे पेन ने मिलके काउंटलेस डायरीज लिखी, मतलब अनगिनत डायरीज लिखी उससे, कंपोजिशंस लिखे, डायरी एंट्रीज लिखी उसने. ओके, नाउ आई हैड टर्न 14 एंड माई फाउंटेन पेन वॉज इंजॉइंग द लास्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ वैन विद मी वेन इट्स वॉज जस्ट आफ्टर 5 ऑन फ्राइडे आफ्टरनून. ओके, अब एनी फ्रैंक बताती है कि जब वो 14 ईयर्स की हुई, फाउंटेन पेन उसके साथ लास्ट ईयर इंजॉय कर रहा था. लास्ट ईयर कैसे मीन्स, अब वो आगे बताएगी एनी फ्रैंक आपको कि उसके फाउंटेन पेन के साथ क्या हुआ, कैसे वो हो गया उससे. ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे. Hope you find the lesson useful. Thank you and have a good day.